नमस्कार, मैं आकांक्षा तिवारी, भारत 18 न्यूज से। जम्मू कश्मीर से सेवा सिंह वाली की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेवा सिंह वाली की एसपीओस के हक के लिए लगातार जंग जारी रहेगी। जब तक एसपीओस को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक सेवा सिंह वाली सहित तमाम एसपीओस ऐसे ही जंग लड़ते रहेंगे। और सेवा सिंह वाली ने आगामी 15 अगस्त तक मांगे पूरी ना होने पर सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने का ऐलान किया। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो आज दिल्ली से जम्मू पहुँचा हूँ और यहाँ पर जो हमारे मीडिया के मित्र हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जो हमारे एसपीओस भाई हैं, उनका मुद्दा जो है पिछले 6-7 साल से हम कंटिन्यू उस मुद्दे को लेके चल रहे हैं, जिसमें मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। 2 तारीख को, इसी महीने की 2 तारीख को मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दिल्ली में जाके उनके कार्यालय में जाकर एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें हमने प्रधानमंत्री साहब से गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर जितने भी हमारे एसपीओस भाई हैं, उनका जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन फाइल होने के बाद जो डायरेक्शन आई ऑनरेबल हाईकोर्ट के लिए, और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए होम डिपार्टमेंट को और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में हमने मेमोरेंडम इसलिए दिया कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि डीजी साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है नोटिस का रिप्लाई देने में, यानी ढील बरती जा रही है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि हम देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर तक ये आवाज़ पहुँचाएँ, और वहाँ से हमें ये आश्वासन मिला है कि 10 दिन के अंदर अंदर इस पर एक्शन लिया जाएगा, और 10 दिन के अंदर अंदर आपको इन लेटर्स का रिप्लाई मिल जाएगा। हम ये डिमांड करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, कि वो कम से कम जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को ये हिदायत जारी करें कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज का मुद्दा इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट में जेर गौर है, और उसकी नोटिस इशू हो चुकी है, और डायरेक्टर जनरल पुलिस ने एडवोकेट जनरल को रिप्लाई तैयार करने के लिए भी कहा है, मगर 5 तारीख को हेयरिंग थी, उनकी रिप्लाई न पहुंचने पर केस जो है आगे अगली डेट पर चला गया। हम ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर रिप्लाई फाइल किया जाए, जिससे हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओस को इंसाफ मिले। और दूसरी बात, एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने गुहार लगाई है, उन्होंने हमें उनके कार्यालय से आश्वासन मिला है कि 10 दिन के अंदर आपको रिप्लाई दिया जाएगा, जिसमें और भी मुद्दे हैं उसमें हमने ये भी कहा है, और वो कॉपी भी मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा आपके चैनल्स पर। और अब ये हम ऐलान करना चाहते हैं, ये जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को बताना चाहते हैं, 15 अगस्त से पहले अगर डीजी साहब की तरफ से जो ऑनरेबल हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस इशू हुए हैं उसका अगर रिप्लाई नहीं दिया गया, तो 15 अगस्त के बाद मैं अपने हजारों समर्थकों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर डीजी साहब की जो लापरवाही है, जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट की जो लापरवाही है, सुस्त रफ्तारी है, उसके खिलाफ एक ज़ोरदार मुजाहरा किया जाएगा, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी ये मुद्दा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नोटिस में लाया गया है। नंबर 2, हमारे जो डिसंगेज एसपीओज है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट हैं उनसे एक लेटर इशू करवाया था कि इनको फौरी तौर पर रीएंगेज किया जाए, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरफ से एडवाइजर साहब के नाम पे एक लेटर आया था आज की डेट में, और मैं आज वो एडवाइजर साहब के आज जम्मू दिल्ली से पहुंचते ही सिविल सेक्रेटरी जम्मू में गया, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एडवाइज़र ऑफिस के और ओएसडी साहब, जिनका जिन्होंने आज ही की डेट में इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए सेम कॉपी फॉरवर्ड कर दी आज की डेट में ही डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को,
जिसमें हमने ये कहा है कि होम मिनिस्टर ऑफिस के डायरेक्शन के बाद भी आज तक आपने जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओज के बारे में कोई निर्णय आज तक क्यों नहीं लिया, और वो कॉपी जो है सीधी सीधी एडवाइज़र के ऑफिस से डीजी के लिए आज की डेट में ही फॉरवर्ड हो गई। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में जो रिटायर्ड एसपीओज हैं, रिटायर्ड किया गया पिछले महीने, उनको विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायर्ड कर दिया गया है। जिस शख्स ने 60 साल डिपार्टमेंट को दिए, 60 साल सर्विस करने के बाद उनको बिना रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायर्ड कर दिया गया, ये सारे मुद्दे हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नोटिस में लाए हैं, और हम ये आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से मोहतबाना अपील करना चाहते हैं कि कम से कम जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात इस कदर है कि जम्मू कश्मीर के 90% छोटे तबके के मुलाजम, होमगार्ड्स, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, ऑल डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स सड़कों पर हैं और यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए हम ये गुहार लगाते हैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को से कि क्योंकि कम से कम उनको इन मुद्दों पर संज्ञान लेना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशानी इस वक्त जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एलजी जो हैं उनके ऊपर ये रिस्पांसिबिलिटी आयद होती है कि जो जम्मू कश्मीर के छोटे तबके के मुलाजम अगर सड़कों पर हैं तो वो किसका फेलियर है, ये गवर्नर साहब को संज्ञान में लेना चाहिए और ये फौरी तौर पर यहाँ के लोगों को जो परेशानियाँ हैं उसको हल करना चाहिए। और दूसरी बात, आज ये रजौरी से एक डेपुटेशन हमारे पास आया है, जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट से हमें बुलाया जा रहा है, और हर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के लोग आज अपने आप को लावारस समझते हैं। कहीं कहीं महीनों से उनको तनख्वाहें नहीं दी जाती है, कहीं डेली वेजर्स भाइयों ने सुसाइड तक कर दिया, एसपीओस भाइयों ने उनकी भी नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि वो भी अब सुसाइड करने पर आ गए हैं। मगर जम्मू कश्मीर की एलजी साहब को, जम्मू कश्मीर के डीजी साहब को, जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट को प्राइम मिनिस्टर, देश का प्राइम मिनिस्टर लिख के दे सकता है हमारे लेटर का जवाब, और वो संज्ञान में ले सकता है। और पहले भी हमने एसपीओ के बारे में एडवाइज़र साहब ने डीजी साहब को फौरी तौर पर रिप्लाई फाइल करने के लिए एडवाइज़र साहब ने ऑलरेडी लिखा था, उसके बावजूद भी डीजी साहब लापरवाही बरत रहे हैं। 15 अगस्त तक अगर एसपीओस का रिप्लाई, नोटिस का रिप्लाई फाइल नहीं होता है तो 15 अगस्त के बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, उसके जिम्मेवार डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, होम डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर की गवर्नर इंतजामिया होगी। यही हमारा इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज